दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी डिडवी डिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। मैं भूपेंद्र सिंह हूँ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सरकाघाट और धर्मपुर जो लोकल कमेटी है उसका सचिव हूँ। हमारी पार्टी ने आज एक बयान जारी किया है जिसके माध्यम से पिछले कल जो कुल्लू के अंदर जो भुंतर एयरपोर्ट के बाहर जो मुख्यमंत्री और जो केंद्रीय जो मंत्री थे नितिन गडकरी जी, उनके जो काफिले के दौरान जो घटना घटी है जिसमें जो पुलिस है वो आपस में जिस तरह से उलझी है, एक दूसरे के साथ मारपीट का जो मामला सामने आया वो बहुत ही चिंतनीय है, निंदनीय है और ये दर्शाता है कि वर्तमान जो सरकार है जिसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जिस तरह से जो मुख्यमंत्री का जो सुरक्षा गार्ड हैं, उनकी जो सिक्योरिटी का जो स्टाफ है और जो कुल्लू जो पुलिस के जो मुखिया हैं, अधीक्षक हैं, एसपी कुल्लू, जिस तरह से आपस में उलझे उससे जो पूरी पुलिस का जो जिस तरह का जो व्यवहार है वो जनता के सामने आया है और इस सरकार की जो पुलिस के ऊपर और जो उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं जिस तरह से वो बर्ताव कर रहे हैं, उनकी जो जो धौंस है एक तरह से जो अधिकारियों पे चल रही है वो मामला भी सामने आया है जिसकी हमारी जो पार्टी है वो कड़े शब्दों में निंदा करती है, आलोचना करती है और सरकार से मांग करती है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और जिस भी अधिकारी ने, जिस भी व्यक्ति ने इस सारे मामले को एक तरह से उकसावेपूर्ण जो कार्रवाई की और फिर एक तरह से कानून को हाथ में लिया गया, जो कानून के रखवाले जिस पुलिस को कहते हैं कि कानून की रक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी जो बात है जो मैं ये रखना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, उनके नेतृत्व में एक तरफ जहाँ पुलिस और ये जो सारा जो प्रशासनिक तंत्र है वो बहुत उसके ऊपर बहुत ही जो ढीली जो पकड़ है वो मुख्यमंत्री साहब की है, वही स्थिति जो उनका मंत्रिमंडल है उसमें एक वरिष्ठ जो मंत्री है वो दो दिन पहले जो कैबिनेट की जो मीटिंग है जो शिमला में होती है उसके अंदर जो मुख्य सचिव है सरकार के, उनके ऊपर जिस तरह से वो अभद्रता करते हैं और उनके साथ जिस तरह से उलझते हैं मीटिंग के अंदर, जो मीडिया के अंदर ये सारी बातें उजागर हुई है और वो भी ये दर्शाता है कि ये मुख्यमंत्री को अपनी जो कार्यप्रणाली है, अपना जो प्रशासन और सरकार पे जो नियंत्रण है, जो उनकी जो जिस तरह का रहना चाहिए वो लगातार कमजोर हो रहा है। मंत्रिमंडल के अंदर एक और जो मुख्यमंत्री से अधिक जो अपने आप को पावर का जो मंत्री है वो घोषित करते रहते हैं, वो हर कहीं जनमंचों के अंदर, कहीं अधिकारियों की मीटिंग के अंदर, कहीं जनता के अंदर, जो अभी हाल ही में निर्मंड में जिस तरह से किसानों को जिस तरह से वो वहाँ हड़कार रहे थे कि आप फलां विचारधारा के हैं या फलां के विचारधारा के हैं इसलिए आपके काम नहीं होंगे, और जो मंत्रिमंडल की जो मीटिंग है उसके अंदर जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको जिस तरह से अड़काया जा रहा है, तो कुल मिला के जो सरकार है मैं ऐसा समझता हूँ कि वो एक तरह से जयराम की सरकार नहीं है, वो राम भरोसे सरकार चल रही है और मनमर्जी से एक अफरा तफरी का जो माहौल है वो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर है। इस माहौल को सुधारने की जरूरत है और इसकी हम कड़ी आलोचना करते हैं और निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि मंत्रिमंडल के अंदर भी जिस तरह का एक तरह से ये जो कार्यप्रणाली और एक तरह की जो छूट है वो दे दी गई है या ले ली गई है उन मंत्री साहिबान के दौरान, इन सब पे जो अंकुश है वो लगना चाहिए और जो कानून है उसके तहत सारे जो गतिविधियां हैं, चाहे विभाग हैं, चाहे जनता के साथ डील करने का मामला है, वो कानूनी तौर तरीके हैं, जो सभ्य भाषा है, जो व्यवहार है वो उस रूप से किया जाना चाहिए, तभी सरकार की जो प्रतिष्ठा है, तभी सरकार के अंदर जो विश्वास है वो जनता का बना रहेगा। धन्यवाद।
दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।